हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। उम्मीद है आप सारी चीज़ें प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल के ऊपर, रसायन, केमिकल हैजर्ड्स एट वर्कप्लेस, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आज शुरू करते हैं केमिकल हैजर्ड्स के बारे में बात करने के लिए, लेकिन उसके पहले एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और इसके पहले वाले वीडियो, क्योंकि आज मुझे कब मैसेज मिले हुए हैं, 163 मेल आए हुए मेरे पास और सबने बोला कि सर बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के बारे में बताइए। तो शायद आप सब लोग जानते हैं कि बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के बारे में मैं पहले वीडियो दे चुका हूँ, तो प्लीज़ कम से कम वीडियो को वॉच तो कर लिया करो। कुछ नहीं है तो फार हेल्प इंडिया में आप चले जाइए, वहाँ सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उसमें से जो भी आपकी ज़रूरत की वीडियोज़ है उसे प्लीज़ देख लिया करिए। कम से कम आपका टाइम भी बच जाएगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होने से बचेगा। चलिए आज शुरुआत करते हैं केमिकल हैजर्ड्स के बारे में। केमिकल हैजर्ड्स क्या होता है, व्हाट इज़ केमिकल हैजर्ड्स एंड ये हमारे साइट पे जो पाए जाते हैं, इन सब कैसे बचें, क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज केमिकल एंड हैजर्ड्स एट वर्क प्लेस। ये जो केमिकल्स होते हैं और केमिकल के साथ जो हैजर्ड्स का कनेक्शन है, इनका रिलेशन है, और वो भी वर्क प्लेस पर, ये क्या है, ये क्वेश्चंस। और इसको समझने के लिए हम समझे केमिकल, जिसे हम हिंदी में रसायन कहते हैं, और जैसे आप पढ़ाई के समय आप पढ़ते थे तो केमिस्ट्री, तो केमिकल केमिस्ट्री, और इसी को हम लोग रसायन विज्ञान भी कहते थे। तो एक केमिकल हैजर्ड इज ए टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, यह एक व्यवसायिक हैजर्ड्स है, कॉज बाय एक्सपोजर टू केमिकल्स इन द वर्क प्लेस। एक्सपोजर टू केमिकल इन द वर्क प्लेस कैन कॉज एक्यूट और लॉन्ग टर्म्स, ठीक है, हेल्थ इफेक्ट्स। ये क्या करता है, हमारे हेल्थ को ये प्रभावित करता है थोड़े समय के लिए, लॉन्ग टर्म और एक्यूट, दो तरह से, कम समय के लिए और लंबे समय के लिए हमें प्रभावित करता है केमिकल। आप ये जानते हैं कि कोई भी हैजर्ड्स जब तक किसी पर्सन से, किसी प्लेस से इंट्रैक्ट नहीं होता है तब तक वह एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। अब सपोज करिए कि एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, बाहर केमिकल रखा हुआ है और वो केमिकल तब तक आपके लिए खतरा साबित नहीं होगा, तब तक आपके लिए नुकसानदायक साबित नहीं होगा जब तक कि आप उसके संपर्क में ना आए। ये केवल केमिकल पे ही अप्लाई नहीं होता है, ये हर एक चीज़ पे अप्लाई होता है कि हैजर्ड जब तक खुद अकेला है वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, या तो हैजर्ड आपसे इंट्रैक्ट कर ले या आप उससे के पास चले जाए, तो कहीं ना कहीं से, आप सपोज करिए कि एक पत्थर रखा हुआ है, एक स्टोन रखा हुआ है, वो तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक या तो खुद आप उस पर गिर जाइए और या पत्थर उठाकर कोई आपको मार दे। तो दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशंस में आपको वो हैजर्ड्स आपके लिए हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। तो जो चोट लगती है, जो नुकसानदायक होता है, जो परेशानी होती है, वो कम समय के लिए हो सकता है या लंबे समय के लिए हो सकता है। छोटी मोटी चोट लगी, छोटी मोटी इंजरी हुई तो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन बड़ी हो गई, लाइक अगर छोटा मोटा चोट लग गया आपको तो चलो जल्दी सही हो जाएगा, लेकिन अगर फ्रैक्चर हो गया तो माय डियर फ्रेंड्स उसमें तो लग जाएंगे 3 से 4 महीने। तो एक एक टर्म्स हो जाता है, टर्म ड्यूरेशन, ये डिजीज और इंजर्ड के ऊपर जिस तरह से इंजरी होती है उसके आधार पे। तो केमिकल के बारे में हम बोल सकते हैं कि केमिकल हैजर्ड्स एक ऐसा हैजर्ड्स है जो एक केमिकल से उत्पन्न होता है या उसी से यह आता है। इसे हम ऑक्यूपेशनल व्यवसायिक हैजर्ड्स भी कह सकते हैं, या कम समय के लिए या अधिक समय के लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होता है, व्हाट आर सम केमिकल हैजर्ड्स इन द वर्क प्लेस। क्या है कुछ ऐसे हैजर्ड्स बताइए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दीजिए, व्हाट आर सम केमिकल हैजर्ड्स, कुछ केमिकल हैजर्ड्स जो इन द वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस पे होते हैं। अभी देखिए इस पर हम चर्चा करेंगे, ये जरा सोचिए आप जहां भी काम कर रहे हैं, ये दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है, ऑब्जर्व करना, सोचना। एक सेफ्टी ऑफिसर जो होता है वो हमेशा 10 कदम आगे की सोचता है, और आप सेफ्टी ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इसकी तैयारी कर रही हैं, तो आपको और ज्यादा सोचना है आपको कैसे क्या करना है। तो हेल्थ हैजर्ड्स इंक्लूड स्किन इरिटेंट्स, कार्सिनोजेन्स,
रेसिपरेटरी सेनेसिटाइजर सेंसिटिव से बना हुआ दैट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ए वर्कर्स हेल्थ एज अ रिजल्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एक्सपोजर टू द केमिकल्स। देखिए आगे ना, डायरेक्ट एक्सपोजर, जब डायरेक्ट संपर्क में आएंगे, एक्सपोज पाया जाएगा ऐसा, यूजुअली थ्रू द इनहेलेशन, इनहेल, इनहेल से बना आपका इनहेलेशन, इसका मतलब सांस के द्वारा जो जाता है, स्किन कॉन्टेक्ट, स्किन के संपर्क में आने से वो हो जाए, शुरू हो जाए, वो परेशानी शुरू हो जाए, तो उसे आप क्या बोलते हैं, स्किन कॉन्टेक्ट, राइट। और इंजेशन, इंजेशन जैसे आप इंजेक्शन लेते हैं, यानी कोई चीज आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दी गई, किसी तरह से चली गई, तो ऐसे केमिकल्स हमारे बॉडी में पहुंच जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले देखिए, मैंने जितनी वीडियोस मैं बना रहा हूं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि आपकी लाइफ सेफ रह सके, आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो, आप जहां भी काम करते हैं आपको कोई दिक्कत ना आए, आप आसानी से काम कर सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और अच्छे तरह से गुजारा कर सके, मकसद यही होता है। लेकिन आज भी हमारे जो वीडियोस आते हैं, नए वीडियोस आते हैं, उस पर मैं देखता हूँ कि पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन उस पर लाइक नहीं आती। अब लाइक ना आने का, कल एक मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि डॉक्टर साहब अगर वीडियोस को लाइक नहीं किया जाएगा तो वो ज़्यादा लोगों के पास पहुँच ही नहीं पाता है, तो बहुत सारे लोग आज इस वीडियो से बच जाते हैं क्योंकि लाइक नहीं आती है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपको कोई पैसे नहीं देने होते, तो आप लोग यूट्यूब पे हैं, दिन रात समझ रहे हैं क्या क्या होता है, तो लाइक तो जरूर कर दीजिए। लाइक करने से क्या होगा, एक लाइक अगर आप करते हैं इट मीन्स आप अपने जैसे किसी एक व्यक्ति को सपोर्ट कर दिया आपने, ताकि वो वीडियो जाए, दूसरे के पास भी जाए, वो और पहुंचे और पढ़े। अगर आप इसका एडवांटेज ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, तो वह भी जाने, ठीक है। आज इतने कोर्सेज महंगे हो गए हैं, हर जगह फीस इतनी ज़्यादा लग रही है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। बहुत सारे ऐसे पुअर स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नहीं जाता है, जा पाता है वीडियो, उनकी पढ़ाई नहीं जा पा रही है। अगर वो किसी तरह से पैसे खर्च करके वह जा भी रहे हैं तो उनको सो मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्रार्थना है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक लाइक समझिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ठीक है। अगर ये लाइक्स बढ़ते जाएंगे तो मैं फिर आगे फ्यूचर में कोशिश करूंगा कि वीडियोज और डालूं, अगर लाइक्स आपके नहीं बढ़ते हैं तो शायद मैं इसको स्टॉप कर दूंगा, मुझे लगेगा कि अब मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, तो शायद मैं वीडियो डालना बंद करूंगा। लेकिन ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, मुझे मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं अगर आता हूँ यूट्यूब पर तो सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कैसे बर्बाद हुए, कैसे जाकर पैसे उनके फंसे, कैसे क्या हुआ, कोई विदेश में फंस गया, कोई दुबई में फंस गया, कोई कहीं फंस गया। तो ईश्वर न करे, ऊपर वाला न करे, खुदा न करे कि आपको इस तरह की कोई परेशानी उठानी पड़े। तो प्लीज़ आपकी एक लाइक से किसी की अगर लाइफ बनने वाली है तो प्लीज़ कर देना चाहिए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। ओके, तो मैं बात कर रहा था केमिकल्स के बारे में। तो केमिकल्स जो भी हैं, ये रसायन, तो सीधा सा एक फार्मूला आप समझ लीजिए कि ये केमिकल्स तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक आप उसके संपर्क में नहीं आएंगे। तो ये केमिकल्स के लिए अप्लाई होगा, ये फिजिकल हैजर्ड्स के लिए अप्लाई होगा, ये बायोलॉजिकल हैजर्ड्स के लिए अप्लाई होगा, ये मैकेनिकल हैजर्ड्स के लिए अप्लाई होगा, ये इर्गोनॉमिक्स हैजर्ड्स के लिए अप्लाई होगा। तो हर जगह सीधी सी बात है, अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, जब तक हम किसी के संपर्क में नहीं जाएंगे तब तक हमें कोई खतरा नहीं है, और जैसे ही आप संपर्क में जाते हैं तो वो हैजर्ड्स की कैटेगरी डिवाइड हो जाती है। अगर केमिकल के संपर्क में गए तो केमिकल हैजर्ड्स, अगर आप मैकेनिकल मशीनरी के संपर्क में गए तो मैकेनिकल हैजर्ड्स, अगर बायोलॉजिकल में गए, एनिमल्स के पास गए या कुछ इस तरह की सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह की बात आता है तो वहाँ से आपको HIV मिल जाता है, एड्स मिल जाता है, जो अपनी आपकी पूरी लाइफ को बर्बाद कर देता है, और फिर उसका लास्ट रिजल्ट वही मिलता है, डेथ, और उसके पीछे आपका परिवार या सब कुछ तबाह। तो प्लीज संयम रखें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें और इन हैजर्ड से बचने की कोशिश करें। आज इस टॉपिक पे जो मैं बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इंटरव्यू में, या आप जहाँ काम करते हैं, हाउ कैन वी प्रिवेंट केमिकल हैजर्ड्स, केमिकल हैजर्ड्स को कैसे प्रिवेंट करें, ठीक है। तो फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, हम हमेशा कुछ ऐसी चीजों को यूज करें केमिकल्स के लिए जो एक बार यूज किया गया फिर उसे हम
फेंक दे, डिस्पोजल, जैसे आजकल आप क्या करते हैं, डिस्पोजल इंजेक्शन यूज होता है ना हर जगह, आप देखते हैं नीडल्स होते हैं। एक समय ऐसा था कि एक ही नीडल्स होती ही थी, कई लोगों को इंजेक्शन लगते थे, लेकिन जब से एड्स और एचआईवी हुआ तब से सिंगल हो गया, डिस्पोजल का जमाना आ गया। डिस्पोजल यूज करिए, फेंको, यूज एंड थ्रो। कॉन्टेक्ट योर हेल्थ एंड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव, आपको संपर्क में रहना होगा जो एचएससी ऑफिसर है, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बात को मानना होगा, उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे संपर्क में रहिए। जो चीज समझ में ना आए एक बार नहीं 10 बार जरूर पूछिए। कुछ लोग क्या करते हैं, पूछते नहीं है, हाँ हाँ यस सर, यस सर, आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, लेकिन होता क्या, वो कुछ नहीं समझते हैं। और ये क्या होता है, दैट इज अ वेरी डेंजरस, तो प्लीज ऐसा आप मत करिए। रिड्यूस और एलिमिनेट, कम करने की कोशिश करिए या उसे समाप्त करने की कोशिश करिए द यूज ऑफ हैजर्ड्स केमिकल्स। लेकिन कहीं कहीं होता है कि हम उस केमिकल्स को समाप्त नहीं कर सकते, उस हैजर्ड्स को समाप्त नहीं कर सकते, तो उसे रिड्यूस तो कम कर सकते। अभी देखिए, जब केमिकल्स है, हमें केमिकल यूज करना है, सपोज करिए अभी ये समय आ रहा है, जितने फेस्टिवल्स आते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स आपके आते हैं, जैसे ईद आ गया, मुहर्रम आ गया, दिवाली आ गई, ये सारी चीजें, जब जैसे जैसे दशहरा आ गया, तो इसमें क्या होता है, हमारे घरों में पेंटिंग्स होती है, होती है ना, घर को पेंट करते हो और पूरा चारों तरफ होता है, हर जगह देखते हैं, ये क्या है, इट इज ए टाइप्स ऑफ केमिकल हैजर्ड्स, ये केमिकल हैजर्ड्स है, इसके अंदर जो केमिकल है वो आपके लिए काफी हार्मफुल है, वो आपके बॉडी के संपर्क में आएगा तो नुकसान करेगा, इरिटेशन पैदा करेगा, स्किन डिजीज पैदा करेगा, अंदर गया तो लंग कैंसर पैदा करेगा, तो इनसे कैसे बचा जाए, इसके सोल्यूशन जरूर कम करिए। तो हम कम हार्मफुल केमिकल्स को यूज करेंगे, सब पे लिखा रहता है कि इसके बचाव के क्या उपाय होते हैं, क्या करना चाहिए, या कुछ ऐसा कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, तो आप ब्रीदिंग अपार्टस का यूज कर सकते हैं, आप ये प्रोटेक्टर की यूज कर सकते हैं, आप दस्ताने ग्लव्स का यूज कर सकते हैं, तो ये प्रोटेक्शन हुआ, इससे आप केमिकल हैजर्ड्स को रोक सकते हैं। सीधी बात, आप, मैं बिना पढ़े लिखे की बात में बोल रहा हूँ, इलिटरेट पर्सन की बात में बोल रहा हूँ, कि सीधा आप ये समझिए कि हमको कैसे बचना है। अगर बारिश आ रही है, सपोज करिए कि बारिश नहीं है, केमिकल की बारिश है, तो कैसे बचना है, क्योंकि केमिकल की एक बूंद भी आपकी बॉडी पे गई तो आपके लिए काफी खतरनाक होगा, काफी हार्मफुल होगा, तो कैसे बचना है। यदि बारिश के समय आप छाता यूज करते हैं, अम्ब्रेला यूज करते हैं, तो केमिकल से बचने के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हैं, सोचिए और सोचिए, और जो भी रिजल्ट आपके सामने आता है उसको अप्लाई करिए, देखिए वही आपके कंट्रोल मेजर्स होते हैं, ठीक है। तो केमिकल से बचाव का ये सबसे अच्छा तरीका है। व्हाट इज कंसीडर्ड हैजर्ड्स केमिकल, अगर हैजर्ड्स केमिकल्स, हैजर्ड्स केमिकल है तो उसके लिए आप क्या विचार करेंगे, क्या विचार करना होगा या क्या विचार करते हैं, तो ओसा, ओसा डिफिनेशन इंक्लूड एनी सबस्टेंस और केमिकल विच इज ए हेल्थ हैजर्ड्स और फिजिकल हैजर्ड्स इंक्लूडिंग केमिकल्स विच आर कार्सिनोजेनस, टॉक्सिक एजेंट्स, इरिटेंट्स, कोरोसिव, सैनिटाइजर एजेंट विच एक्ट ऑन द होम्योपैथिक सिस्टम्स, एजेंट्स विद डैमेज द लंग्स, स्किन, आई और म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या क्या नुकसान करता है, अगर इसके संपर्क में हम आएंगे, तो पहला जो होता है हमारा लंग्स डैमेज होता है, क्या होता है, लंग्स। दूसरा क्या होगा, स्किन की प्रॉब्लम्स होगी। दूसरा क्या, आंखों में जलन होना, आंखों से कम दिखना, यहां तक कि आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है केमिकल से। और क्या, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं आपके वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, तो ये भी एक डिजीज का कारण होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि केमिकल हैजर्डस इज अ वेरी डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है, आप इससे हमेशा सावधान रहें। अगर आप ऑयल एंड गैस फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो वहां तो बिल्कुल आप प्लीज हर एक चीज आप पूरा होमवर्क करके जाइए, आप अच्छे तरह से समझ के जाइए। आपको एवरीडे जो टूल बॉक्स बताया जाता है, एवरीडे जो मीटिंग्स होती है, आपके जो लिफलेट दिए गए हुए हैं, जो बताया गया है कि आप इसका फॉलो करिए, तो प्लीज जरूर उसका फॉलो करिए, क्योंकि उसके पीछे आपकी सेफ्टी होती है। ये जितने सेफ्टी रूल्स होते हैं सिर्फ आपके लिए होते हैं, सिर्फ आपके लिए होते हैं। अगर मैं फॉलो करता हूं तो मैं आज तक सेफ हूं, जिसने फॉलो नहीं किया वो हमेशा से नुकसान उठाया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके पहले किसी भी वीडियो में मैंने नहीं बोला था कि लाइक कर दीजिएगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि लोग कह रहे हैं कि भाई लोगों तक जा नहीं पा रहा है, आज भी प्लीज कर दीजिएगा। और एचएसए सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स जो 3, 6 और 12 महीने के कोर्सेज हैं, जो एसएसटी प्रोवाइड कर रही है, फायर सेफ्टी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, आप वहाँ से ले सकते हैं। 3, 6 और 12 महीने के कोर्सेज वहाँ चलाए जा रहे हैं।
निवोस के कोर्सेज भी आपको मिलेंगे, निवोस आईजीसी क्रैक कोर्स भी मिलेगा। तो जो आपको नीड है, अगर आपको लगता है कि मुझे ये कोर्स करना चाहिए तो आप जरूर कोर्स करिए। ऑनलाइन की सुविधा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा है। अगर आप इंडिया में हैं या इंडिया के आसपास हैं, आप आ सकते हैं तो कैंपस में जाकर जरूर ट्रेनिंग लीजिए। और शायद जब कैंपस में आएंगे तो मुझसे और आपसे जरूर मुलाकात होगी, क्योंकि कोशिश रहती है कि भाई मैं भी वहाँ पर आऊँ और आप लोगों से मिलूँ। और आज भी बड़ी अच्छी खुशी होती है कि जब YouTube के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा मुलाकात होती है, फ्रेंडशिप बनती है और आप लोग अच्छा करते हैं, तो दैट टाइम आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश होता हूँ। और बाकी सब चीज़ें जो कुछ भी, अगर डिटेलिंग आपको चाहिए तो आप SST4U के वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको इस समय ऑफर चल रहा है, ऑफर का एडवांटेज आप ले सकते हैं। जो कोर्सेज आपके 36,000 के हैं, 70,000 के हैं, 64,000 के हैं, वो कोर्सेज आपको काफ़ी कम पैसे में अवेलेबल हैं इस समय। अगर आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए तो आप प्लीज़ उस ऑफर के डेट से पहले अपना फी सबमिट और डॉक्यूमेंट्स